आप ये रंग बिरंगी बगिया देख रहे हैं मेरी, फूलों से भरी हुई, तो क्या आपका जो गार्डन है, आपकी बगिया है, वो भी कुछ इस तरह से खिल रही है? तो लंबे टाइम से जो मेरे गार्डन में खूब सारे ये फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो आपने ये टाइम टाइम पर देखे होंगे। तो मैंने कुछ इस तरह के ही पौधे लगाए हैं जिनमें बहुत ही कम जिनकी केयर करनी पड़े। हाँ, इस बारी आप कुछ एक पौधे ऐसे देख रहे होंगे जो मेरे गार्डन में अभी नहीं हैं, तो मैं कोलियस की बात कर रही हूँ। 48 डिग्री टेम्परेचर मेरे में जो मेरे बहुत सारे कोलियस के प्लांट्स जो हैं वो मर गए, और अभी जो कुछ एक थोड़े से बचे हैं तो उन पे उनकी मैं कटिंग्स जो अभी लगा रही हूँ, एक दो डिब्बे में छोटी छोटी तैयार की हैं, तो कुछ टाइम के बाद तैयार हो जाएंगी। तो ये अभी जो फूल थोड़े थोड़े खिल रहे हैं और कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा खिल रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये बहुत खिलने वाले हैं इस तरह से। तो इनकी कुछ भी खास केयर नहीं है, ये सब मैंने आपके ही सामने लगाए हैं, किस तरह से मैंने इनकी कटिंग्स तैयार की हैं, ये पर्सलिन जो देख रहे हैं। और फिर जब इनके पौधे तैयार हो गए तो फिर मैंने क्या किया, उनके पिंचिंग कर करके और जैसे उसमें लगाती गई, तो मैंने दो तीन पोट्स जो रखे हुए थे, कटिंग्स इनकी तैयार रखी हुई थी, ताकि उनमें से मैं पौधे अलग अलग रंग के जैसे मैंने रखे हुए थे बना के, तो उसी में से कर कर के मैंने खूब सारे ये पौधे बनाए हैं। तो इस तरह से ये देखिए मेरे खूब सारे फूलों से भर गई है मेरी बगिया, और अभी नीचे बस इनके फूल जो झड़ते हैं, तो जैसे धूप निकली है फूल जो सूख रहे हैं, और सूखने के बाद जब आप झाड़ू लगाते हैं तो वो चिपक से जाते हैं, क्योंकि उनमें फूलों में मॉइस्चर होता है, और जब वो धूप निकलती है तो नीचे फर्श पे ही वो सूख से जाते हैं, जम से जाते हैं। तो हाँ, जब पानी पड़े इन पे बारिश वगैरह का, तो आप सफाई करते हैं फिर ये पूरे सारे के सारे निकल जाते हैं। तो ये देखिए मेरी बगिया बिल्कुल बहार आई हुई है, और कई सारे पौधे खिलने को तैयार हैं। चाहे तो आप इस तरफ ले लो, ये देखो येलो फ्लावर्स कितने अच्छे हैं, और मधुमक्खी, ये मधुमक्खियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये इस तरह से। तो ये क्यूबन वाटर कप जो ये इनको येलो फ्लावर्स भी कहा जाता है, तो थर्सडे के दिन लोग जो पूजा करते हैं स्पेशली इनके जो पौधे लगाते हैं, तो झाड़ीनुमा प्लांट है ये, हमेशा एक बारी लगाओ गार्डन में बने ही रहते हैं। तो कई सारे पौधों में फूल आने वाले हैं, और कईयों पे जो खिल रहे हैं लंबे टाइम से, और ये मेरे जो टावर है पीवीसी टावर, तो ये देखिए कितना सारा ये फैल गया। तो मैं सोच रही हूँ एक दो कलर इसमें और भी मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि जब मुझे सेव करना हुआ तो ये सारे के सारे मेरे बचे रहें। तो बस कुछ एक कटिंग्स या जड़ के साथ मैं लगा दूँगी, और ऊपर मिट्टी साइड में यहाँ पे मिट्टी डाल दूँगी, तो ये मेरा तैयार हो जाएंगे कटिंग्स। तो मुझे याद भी रहेगा कि इसमें फिर सारे कलर हैं मेरे। जैसे कि इस तरह का मैं सोच रही हूँ एक पौधा उखाड़ के उसमें ये लगा दूँ, और ये कुछ सफ़ेद वाले भी लगा दूँ। तो इस तरह से ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर लग रही है मेरी बगिया, रंगों से भरी हुई। वैसे तो आपने एक से बढ़कर एक गार्डन देखा होगा, बट मैं अपना गार्डन इस तरह से सेट करती हूँ कि जिसमें मेरी छत भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और पानी वगैरह देते हैं तो उसका भी मैं ध्यान देती हूँ, रखती हूँ कि किस तरह से मुझे पानी देना है छत पे। तो ये लीजिए, यहाँ कहीं मर्जी से आप देख लीजिए, फूलों की बहार आई हुई है मेरे गार्डन में। चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरे जो पसंद के पौधे हैं उनमें से फेवरेट प्लांट में से ये एक फाउंटेन ग्रास भी है। ये जो है लंबे टाइम तक, कब तक ये, कब से खिलना, मेरे ख्याल से पूरा साल भर ही ये खिलता है, कुछ कुछ टाइम छोड़ के बीच बीच में जैसे। तो ये कब से खिलना स्टार्ट हुआ था, और खिल ही रहा है, लगातार खिल रहा है ये, और इसकी भी कुछ खास केयर नहीं करनी पड़ती है।
बस बड़े घने पौधे हो जाएं तो उनमें से कुछ निकाल दो और रूट्स बन जाती हैं, उनको हटाना है। तो ये मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल की, ये जो फूलों भरी बगिया मंजू नेचर लवर चैनल की, ये फूलों भरी बगिया ये देखिए। अब तेज़ धूप निकलाई है, बीच में थोड़े बादल आ जा रहे हैं। तो मुझे तो इस तरह के फूल ही देखना पसंद है जिनमें कि बहुत ख़ास मेहनत ना करनी पड़े जिनके लिए। तो ये पर्सलिन की कटिंग्स आप अभी भी निकाल निकाल के लगा सकते हैं और ये एकदम से तैयार हो जाती हैं। नवंबर महीने तक जो है फूल आते रहते हैं और मैं तो ऐसे करती हूँ, कोई भी मुझे जैसे गमला खाली मिलता है तो लगाने को, तो कभी भी गमले मेरे खाली बचते नहीं हैं। जैसे पहले से ही मुझे पता होता है कि इसमें ये लगाना है उसमें ये लगाना है, और कोक्सकोम के मेरे इतने सारे पौधे तैयार हैं बट फिर भी मैं मुझे ढूंढने पड़ते हैं। इतने गमले खरीदती हूँ फिर भी लगता है कि गमले हैं ही नहीं, खाली हो गए, भरे भरे हैं सब बस। तो इस तरह की बगिया चाहते हैं आप तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, ये मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से मैं तैयार करती हूँ, किस तरह से कब कब इनकी पिंचिंग करती हूँ, मिट्टी कैसे भरती हूँ, छोटे से छोटे पोट में लगाती हूँ और बड़े से बड़े पोट में भी लगा सकते हैं। और अब ये थोड़े से बादल आ गए हैं तो इस तरह से ये मेरी बगिया आ रही है, फूलों भरी बगिया। तो अभी कई सारे पौधे खिलने को तैयार हैं और कईयों पे अभी काम कर रही हूँ, कईयों पे मुझे काम करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि घर के सब काम भी देखने हैं अभी। तो ये सब जो पौधे इस तरह के ही पौधे हैं कि जिनकी बिल्कुल भी कोई केयर नहीं करनी पड़ती। हाँ पानी तो भाई देना ही पड़ेगा ना, अगर पानी नहीं हम देंगे ज़रूरत भर का तो कुछ दिन तो जब तक ये हरे रहेंगे तो फिर ज़िंदा रहेंगे और जब बिल्कुल सूख जाएंगे तो फिर ये आगे नहीं चल पाएंगे।